लड़का जब छूट के आया तो उसने धमकी हमकी दी थी आने के बाद? हाँ भाई, बाप को यहाँ तुमका जो तुम जान पे मार देवे, आग लगा देवे। तब परसों जब हम आए ना, तुम कहा चलो रिपोर्ट कर दिन जाए, तो कह नहीं कल हम जा रहे हैं रायबरेली। वो बहुत काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था ना, धमकी उमकी दे रहे थे, फिर वो कह रहे हैं यहाँ लड़की रहेगी तो हम मार देंगे, यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको भेज दो। तो लड़की थी कहाँ तक हम उसको बाहर रखें, वो बाहर 5-6 महीने से बाहर ही थी, लालगंज में रहती थी, वहाँ से जब आई तो यहाँ भी धमकी दे रहे थे। इसे हैदराबाद में है भा है, वह सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए जी, क्योंकि इतने बड़े कातिल हो चुके हैं, कुछ फूके दे रहे हैं, कुछ कुछ करे दे रहे हैं, तो अत्याचार के ऊपर अत्याचार बढ़ेबे कर ही घटेंगे। तो है पिछले दिनों हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अभी थमा नहीं था कि तब तक उन्नाव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें आरोपियों ने पीड़िता को जला दिया। ये पीड़िता का वो जर्जर मकान है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि पीड़िता आर्थिक रूप से कितना कमजोर थी, कितने मुश्किल हालातों में अपना केस लड़ रही थी। हमने पीड़िता के परिवार से बात की तो हमें ये पता चला कि आरोपी और पीड़िता ने कोर्ट मैरिज शादी की थी, 2 महीने साथ में रहे, इसके बाद आरोपी के परिवार के दबिश की वजह से पीड़िता को मजबूरन घर आना पड़ा, जहां पे उसके साथ मारपीट की गई। ये मामला करीब 1 साल पहले का था और ये जो शिवम है आते जाते रहे और हम तो घर में थे नहीं, और उसके बाद जो है लड़की को अपने चंगुल में फंसा करके बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद 2 महीने बाद वहाँ से आए और आ करके लड़की को यहाँ मार करके भगा दिया कि अपने घर जाओ। वो घर आ गई, घर आ करके उनकी माता ने लड़की को मारा और कहा कि गांव से चली जाओ। वो लड़की जो है यहाँ से लालगंज गई, अपनी बुआ के यहाँ रहती रही। उसके बाद ये लोग शुभम और शिवम दोनों लड़के वहाँ गए, लालगंज में हंगामा किया, तब उस लड़की ने लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद यहाँ बिहार थाने में नहीं जब दर्ज हुई तो वहाँ की जो है दरोगा ने भेजा कागज, तब यहाँ पर भी दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज किया। वो एक लड़की आ रही थी, उसने जोर से कहा बचाओ बचाओ बचाओ, हमें यहाँ तक आई, उसके बाद 100 नंबर फ़ोन, किसी मोबाइल से 100 नंबर को फ़ोन कर डाल कर करके उसके बात करा दिया, और बात कराने के बाद 2 मिनट बाद चली गई वो यहाँ से। कितने समय का मामला है? 4:30 बजे का मामला था सुबह। तो लड़की किस स्थिति में आपको दिखी? आपको वो बेपायर थी, कोई कपड़े शरीर में नहीं थे। वो जो रायबरेली मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में कल लड़की जा रही थी 4 बजे इलाहाबाद ट्रेन पकड़ने के लिए, उसके बाद जो है घर से गई और जो कि मौरावा रोड पे वहीं पे जो है इन लोगों ने उस लड़की को मारा पीटा और पेट्रोल डाल करके जला दिया। हमका खबर मिली यह कि जो है यहाँ पर थाने तेने फोन आवा जी। कितने बजे लगभग सुबह कब पता चला? वह करीब 5:30 बजे हमका खबर मिली। अच्छा, तब ये लोग हमें थाने के जो है होमगार्ड रहे, उनका जब खबर मिली तो हमका बुलाएं, बुलाओ बात जो है हमसे बताएं, वहाँ पूछा तो कहें पूरी लड़की का यहाँ पुलिस ले जा कहने वहाँ सरकारी अस्पताल सुमेरपुर में एडमिट करें। पीड़िता के परिवार पर आरोपी परिवार की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही थी, उनके साथ मारपीट की जा रही थी, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कई बार पीड़िता ने इस मामले को थाने में दर्ज कराया लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ट्रेन से रायबरेली जा रही थी तब उसने कल परसों धमकी दिया और कल जाके उसको भी मालूम नहीं उसको जला दिया। उसने खुद बयान दिया है हमको इतने लोग जलाया है, हम लोग को कोई पता नहीं था, हम लोग तो बाद में मालूम हुआ आपकी लड़की बहुत सीरियस है, आप लोग वहाँ जाइए, तब हमें लोग को मालूम पड़ा है। आरोपी परिवार से पिछले 1 साल में किस तरह की धमकियाँ मिली हैं आपके परिवार को? इस तरह से वो यहाँ धमकी दे रहे थे, गांव छोड़ दो, गांव में ना रहो और ना लड़की यहाँ रहेगी, इसी तरह मारने की ही धमकी दे रहे थे। मारपीट मतलब आग पहले भी लगा चुके थे और मारपीट की यही धमकी दे रहे थे, आन दिन एक में एक अत्याचार कर ही रहे थे।
क्या परिवार के और लोगों को भी डरा धमका रहे थे? सब लोग को डरवा धमका रहे थे, यहाँ तक मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको डरवा रहे थे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। क्या वो लड़का जब छूट के आया तो उसने धमकी हमकी दी थी आने के बाद? जब पीड़िता 5 दिसंबर को पेशी के लिए जा रही थी तो दो मुख्य आरोपियों, उनके पिता और एक गांव के और लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। मैं ये बिल्कुल कह रही हूँ कि अगर मेरे भाई गुनहगार हैं तो उनको जो मर्जी हो वो सजा मिले, लेकिन उनके खिलाफ सबूत दिखाई जाए हम लोगों को पहले, और अगर वो गुनहगार नहीं हैं तो फिर उनको बाइज्जत बरी किया जाए, बस हम यही चाहते हैं। अभी तक जांचें हुई है, क्या निकला है उस जांच में, हम भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। हम ये चाहते कोई भी जांच हो, या डीएनए टेस्ट हो, या नार्को टेस्ट हो, कोई भी एसटी जांच हो, या सीआईबी जांच हो, कोई भी हो, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई और पापा को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच चाहते हैं आप? जिस तरह की वो लोग जांच करवाना चाहते हो, लेकिन निर्दोष को निर्दोष साबित कर, अगर मेरे भाई गुनहगार है तो उनको जो चाहे वो सजा दे, कोई कहता है फांसी दे दी जाएगी, कोई कहता है गोली मार दी जाएगी, बिना जांच कैसे कैसे सब कुछ कर दिया जाएगा, कोई सबूत इकट्ठा करो, कोई कुछ करो, उसके बाद में कहते हैं कि हमारे लड़के के विषय में अगर छानबीन कर ली जाए, इंक्वायरी कर ली जाए, अगर कहीं भी वो निंबित हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि चाहे, लेकिन जांच कर ली। लड़के ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, इसने रेप केस लगा दिया लड़के के ऊपर, लड़के को जान के फंसा दिया, बोली अब तुमको मैं 10-20 साल जेल कटवाऊंगी। अगर शादी करी होती तो पुलिस लेके घर में बैठ जाती आके, इनके प्रशासन द्वारा बैठ जाती आके। हाँ, उसके बाद में उसने कहा हमने कोर्ट मैरिज है मेरे साथ में, तो वो ले गया कि कोर्ट मैरिज के आप कागज लगाइए वहाँ पर जाके, या दीजिए दिखाइए, तो उसने कागज नहीं दिखाया, फर्जी उसने स्टाम्प बनवाया, उसने फोटो लगा लिया, उसके बाद में किसी के साइन मोहर नहीं है, या साइन मोहर हो तो उसको मतलब मिलाया जाए, जाँच कराई जाए। ये जो सुबह पुलिस आई थी हमारे घर में, तो हमारे भाई और हमारे पापा सोते हुए मिले, उनको सोते हुए पकड़ के लेके जाया गया। अगर कोई आग लगाता तो घर में क्यों मिलता सोते हुए, भाग जाता कहीं इधर उधर, क्या सबूत है इनके पास कि हमारे भाई और बाप ने आग लगाई? 500 किलोमीटर पर गांव था, क्या गांव नहीं आ सकती थी? स्वयं उसके पड़ोसी 300 किलोमीटर पर बसे हुए, क्या उनसे मदद नहीं मांग सकती थी? और 2 किलोमीटर पैदल वहां क्यों गई? इसका मतलब उसने अपने हाथ लगाई आगे। हमारी जांच करा दी जाए, हमारे आदमी बच्चों की जांच हो जाए, और अगर उसमें हमारे लड़के बच्चे हैं तो उसके भी आगे कार्रवाई की जाए।